हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टैक्स सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम अपने सिस्टम को जब अपग्रेड करते हैं, जैसे कि विंडोज़ 7 आप चला रहे हैं तो विंडोज़ 8.1 या फिर विंडोज़ 10 में जब अपग्रेड होते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, सबके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा ग्राफिक ड्राइवर है, इंटेल का HD ग्राफिक ड्राइवर जो है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही हम पुराना वाला जो हमारा ग्राफिक ड्राइवर है उसको डाल रहे हैं, तो हमारा पूरा सिस्टम क्रैश हो जा रहा है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, हमें दोबारा से विंडोज़ डालना पड़ रही है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, जो अपग्रेड हो भी रहे हैं तो इस वजह से वो फिर दोबारा से डाउनग्रेड होके विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मैंने तोड़ निकाल लिया है। आपको कोई भी डाउनग्रेड जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका विंडोज़ 8.1 है या विंडोज़ 10 है, तो आप उसमें इंटेल का HD ग्राफिक ड्राइवर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका थोड़ा मेथड अलग है फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप उसको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में डाल सकते हैं, तो देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप नई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा दिस PC लिख के आ रहा है या कंप्यूटर भी लिख के आ सकता है, तो इस पे जाने के बाद राइट क्लिक कीजिए। तो जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो नीचे सबसे प्रॉपर्टीज़ लिख के आ रहा है, तो आप इस पे डायरेक्टली क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके तो वहाँ आपका एक सिस्टम खुल जाएगा, और उसमें आपका विंडोज़ 10 प्रो जो भी है वो दिखाएगा। उसके अलावा एक साइड में जो कंट्रोल पैनल होम के नीचे एक डिवाइस मैनेजर के नाम से एक ऑप्शन है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही हम फ्रेंड्स डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइवर ये शो करेगा, जितने भी हमारे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में ड्राइवर पड़े हुए हैं वो यहाँ पे सारे शो करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डिस्प्ले अडेप्टर लिख के आ रहा है, तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। तो जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आपकी जो भी उसमें ग्राफिक ड्राइवर पड़ा हुआ है, तो वो VGA ग्राफिक ड्राइवर शायद हो सकता है, या फिर आपका कोई बेसिक ड्राइवर हो सकता है, लेकिन वहाँ पे अभी इंटेल HD ग्राफिक्स लिख के नहीं आता होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें करना क्या होगा, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और जो अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर लिख के आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट्स ड्राइवर सॉफ्टवेयर, और नीचे ब्राउज माई कंप्यूटर। तो हमें सबसे पहले तो अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा उसे, उसके बाद यहाँ पर हम सर्च ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारा जो भी ड्राइवर है वो यहाँ से अब सर्च होने लगेगा, और जो भी हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए कम्फर्टेबल है तो यहाँ से वो उसी ड्राइवर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेगा खुद ही, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, तो यहाँ पे थोड़ी देर में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये अपने यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। ये अब इंस्टॉल हो चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, यहाँ पर इंटेल HD ग्राफिक्स लिख के आ गया है और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको हम यहाँ से एक बार क्लोज्ड कर देते हैं, और यहाँ से क्लोज करने के बाद वापस जाते हैं अपने ड्राइवर वाली लिस्ट में, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटेल HD ग्राफिक्स लिख के आ गया है, इसकी जगह पहले यहाँ पर बेसिक डिस्प्ले लिख के आ रहा था। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम इन सबको क्लोज कर देते हैं। और एक बार आपको अंदर सेटिंग से दिखा देते हैं, तो यहाँ राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज पे क्लिक कर दीजिए, और पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस में जाके
और यहाँ पर ये सेटिंग में दिखा रहा है इंटेल का जो भी ग्राफिक ड्राइवर है तो वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये इसका आइकॉन है और इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ये फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसका रेजोल्यूशन भी चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि किस तरह से इंटेल का HD ग्राफिक ड्राइवर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बाहर से कोई ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं अपने PC में या लैपटॉप में तो फिर फ्रेंड्स वो सपोर्ट नहीं करेगा। बाई चांस कोई अगर सॉफ्टवेयर उसके मैच का मिल जाए तो हो सकता है कि वो उसमें सपोर्ट कर जाए, और ज़्यादातर बाहर वाला जो भी ड्राइवर होगा वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको यहीं सेटिंग में जाने के बाद, डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको अपने जो भी ड्राइवर हैं वो वहाँ से अपडेट करना है। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के देखने के लिए, और अगर आप हमारे और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।